ये देख रहे हो, मतलब ये लियारी के हाईवे, और यहाँ देख रहे हो ये ब्लॉक रखे हुए। किसी टाइम पे ना यहाँ लोहे की पूरी प्लेटें होती थी, मतलब लोहे की ना पूरे यहाँ पे कवर होते थे सेफ्टी के लिए। लेकिन यहाँ हमारे जो जितने भी है ना, जो हमारे नशई हजरात है, मतलब जो जिसको बोलते हैं पोटरी हजरात, मतलब पूरा जितने भी ना सेफ्टी के लिए लगाए हुए थे ना भाई, जितने भी ना चादरें लगाई हुई थी, पिल्लर यहाँ खड़े किए हुए थे, सब शार्ट भाई, पूरा शार्ट किया हुआ है। और कौन बोलता है कि भाई हीरोइनी में पोल्ट्री में दम नहीं है, ताकत नहीं है, मतलब अभी सिर्फ वहाँ ब्लॉक पड़े हुए जड़ से उखाड़ा हुआ है, जड़ से। तो नशियों में इतने पावर आते हैं जब वो नशा करते हैं। तो अभी रिसेंट ही हम लोंडो की गांड मारी गई है, गोल्डी हमारी महंगी कर दी गई है, 20 से 30 रुपये कर दिए। अब वही कर सकते हैं हर पाकिस्तानी की तरह बर्दाश्त। इससे पहले पेट्रोल आसमानों पर, आटा आसमानों पर, सिगरेट आज वो भी आसमानों पर। लोड शेडिंग इंटरनेट के तो लेवल आपने देखे होंगे। अब वो जोंग 4G जो चलता था, अब 5G के गीत गा रहा है। लेकिन मंदन को बोले कि भाई तुम्हारा 4G अच्छा चल रहा है। अभी आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, हमारे जो स्क्रीन में इंटरनेट का लेवल है ना, वो इस टाइम ई लेवल पे है। और ऐसा नहीं कि मैं कराची के किसी देहात में हूँ, ना ना ना, कराची के बिल्कुल सेंटर शहर में हूँ। और हमारे पास जो इंटरनेट आ रहा है ना भाई, वो ई लेवल का आता है जब लाइट चली जाती है। देखो पहले सोचा था कि भाई देखो लाइट चली जाएगी, बर्दाश्त कर रहे थे ज़मानों से, गैस चली जाती थी बर्दाश्त कर रहे थे, पानी चला जाता है बर्दाश्त कर रहे थे, अब इंटरनेट का भी वही भूचाल है। खैर अब टीवी के ऐड में मैंने देखा परसों कि भाई जोंग 5G के ऐड चल रहे हैं, कि जोंग 5G एक नया ख्वाब एक नई सोच, मतलब अभी जोंग वाले 5G की तरफ जा रहे हैं। देखो अच्छी बात है, लेकिन बंदा इनसे ये पूछेगा तुम्हारा फोर जो 4G तुम हमको सर्विस दे रहे हो वो अच्छी चल रही है, मतलब ई लेवल का इंटरनेट है। इसके साथ फिर एक और ऐड आता है जो 55 से देख रहे थे, क्या आपके कोलगेट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। अब यहाँ ज़िंदगी के इतने लोड़े लगे हुए हैं, सिगरेट जाके 20 से 30 पे चली जाएगी, फिर 50 पे चली जाएगी, ज़िंदगी के उतने टेंशन लगे हुए हैं, और ये अभी तक मोहतरमा आती है टीवी के ऊपर, क्या आपके कोलगेट में नमक है, ज़िंदगी में नमक आराम है और टूथपेस्ट में नमक है। अब जो गुलडीव है ना भाई, हम जैसे लोंडे है ना भाई, देखो पहले बच्ची का टेंशन, इसके बाद आटे का, बेरोज़गारी का, करियर का, सबका टेंशन हल एक है, गोल्डिव। मैच की टेंशन, PSL चल रहा है, कराची वाले भाई, कराची टीम तो पहले ही जा रही है भाई, मुझे पता है सबसे पहले कराची टीम टूर्नामेंट से बाहर जाएगी, क्योंकि हर साल यही होता आ रहा है। उसकी टेंशन भी हमने सर पे ले ली गोल्डिव के लिए। अब गोल्डिव पीते थे सारे टेंशन भूल गए भाई, बच्ची, करियर, क्रिकेट, सबके टेंशन का हल सिर्फ एक गोल्डिव था। और आज वही गोल्डिव जा रही है 20-30 और आगे देखना भाई 50, क्योंकि हर साल बजट में सबसे ज़्यादा सबसे पहले नशियों को डैमेज देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के हर कर्ज़ा नशियों ने चुकाना है भाई। अब पाकिस्तान में जितना भी कर्ज़ा हो ना, सबसे पहले भाई नशियों की गांड मारी जाती है, उनका नशा महंगा कर दिया जाता है। अभी अपन लोंडो का सिर्फ एक ही सहारा था गोल्डिव, वो भी भाई महंगा कर दिया। और इंटरनेट पे तो इस तरह रो रहे लड़के भाई कि भाई पता नहीं क्या हो गया। भाई तुम लोग घबराओ नहीं, आटा आसमानों पर, टमाटर आसमानों पर, पेट्रोल आसमानों पर, अपना गोल्डी भी आसमानों पर हो गया। इसी ज़िद से पियेंगे भाई, 50 रुपये का होगा तब भी पियेंगे। आई नो मुझे पता है फेफड़ों का कैंसर होता है, टट्टों का कैंसर होता है, और भी कितनी बीमारियां होती है, लेकिन पियेंगे, इसी ज़िद से पियेंगे कि भाई गोल्डी 50 का भी होगा तब भी पियेंगे। टेंशन नहीं लेने का, घबराने का नहीं।